एक किसी शूटिंग सेटिंग का एड आता था टीवी पर, एक कंप्लीट मैन। तो आज हम लोग जहां बैठे हैं, एक कंप्लीट होटल, एक ऐसा होटल सौर्या इन, जो अपने आप में नाम ही काफी है। शुरुआत साक्षी से, लेकिन आज बिष्टुपुर में इतने जबरदस्त अंदाज में, इतने कंफर्टेबल, इतना बेस्ट, इतना डेकोरेटिव और इतना एफेक्टिव, अट्रैक्टिव वे में प्रस्तुत किया गया है, जहां पर आप आकर बरबस बार बार आने को मजबूर हो जाएंगे। तो उसी के संचालक और जिनके माइंड में ये डिजाइन, ये प्रोग्राम, ये सिस्टम, ये हॉस्पिटलिटी चलती है, वो हमारे बीच आज मौजूद हैं, जवाहर बिग जी, जो शहर को बनाने वाले, शहर को सजाने वाले, संवारने वाले में 1 to 10 में इनका नाम आता है। टाटा इसीलिए मिनी इंडिया कही जाती है, क्योंकि ऐसे लोग शहर को सजाते हैं, संवारते हैं और शहर को मिनी इंडिया का दर्जा दिलवाते हैं। सर, जो आज ये टैंगो जहां हम बैठे हैं, ये सौर्य इनका एक अपने आप में नया तोहफा आपने दिया है और आज ही शुरुआत हो रही है इसकी, तो एक कंसेप्ट आपको कहां से ओरिजिनेट हुआ जिससे कि आप आज जमशेदपुर के लोगों को आज ये उनको उपलब्ध कराया है, उनके लिए आज आपने ओपन किया है? कि जमशेदपुर में हमने पुराना वाला शौर्यन बंद किए हुआ एक डिकेड हो गया है जी। हमने अभी देखा कि जो जमशेदपुर की जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको यहाँ कॉलेज में यंगस्टर आ रहे हैं जमशेदपुर में, तो इन सब को देखते हुए आज इस शहर की एक डिमांड है जी। कि एक अच्छे होटल बार की एक डिमांड है जी। तो हमने उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ये एक ब्यूटीक होटल बनाया, एक डाइनिंग हॉल बनाया नीचे, जिस रेस्टोरेंट फाइन डाइन जिसको बोलते हैं जी। और ये एक बहुत ही बढ़िया बार बनाया यंगस्टर्स के लिए भी और फैमिली के लिए भी। ये कंसेप्ट जमशेदपुर का, पूरे झारखंड में अकेला कंसेप्ट है कि फैमिली बार बनाना जी। हर जगह आप देखेंगे कि पब बनते हैं जो यंगस्टर्स जाते हैं, परिवार नहीं जा सकते, हल्ला बहुत होता है। यहाँ आप देखेंगे कि फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं, बच्चों के साथ हैं, खाना पीना ड्रिंक सब एक साथ इंजॉय कर रही हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। आदमी परिवार के साथ आता है, एक दूसरे से बात कर सक रहा है बड़े आराम से। तो इस कंसेप्ट को हमने देखा कि पूरे जमशेदपुर में नहीं था, हम लोग तो घूमते रहते हैं, रांची देखा वहाँ नहीं है, तो हमने इस कंसेप्ट को यहाँ फिर लाने की सोची और डेवलप किया और आज यहाँ हम पहुँचे हैं, इसको चालू कर रहे हैं जी। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। लेकिन जब मैंने आपके इस टैंगो को देखा और आज हमने जो इसके एक दो चीज का लाजवाब जायका, जो कहा जाए स्वादिष्ट जायका लिया, तो उसमें सबसे सुंदर मैं ये कहूँ कि दिल्ली का एक कॉफी हाउस है कि जहाँ पर बड़े बड़े लोग पूरे परिवार के साथ भी, अलग से भी, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, सभी लोग बैठकर मंत्रणा करते हैं, नीति बनाते थे। आज कुछ उसी तरह का शेप हमको देखने को मिला और ऐसा लगा कि ये अपने आप में झारखंड के लिए एक युवाओं को एक सबसे बेहतर तोहफा है आपकी तरफ से, कि जो आकर सुकून से दो पल बिता सकें अपने ज़िंदगी को, वो हैप्पी टाइम यहाँ पे लीड कर सकें। तो उन सब युवाओं को जो हमारे जमशेदपुर के हैं, झारखंड के हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज बहुत ही सौभाग्य है कि आप भी मौजूद हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जमशेदपुर चूंकि एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ युवाओं बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ युवा यहाँ नौकरी करने आते हैं टाटा स्टील जैसी कंपनी में, टाटा मोटर्स, और कुछ युवा यहाँ पढ़ने आते हैं, NIT है, MGM है, कुछ XLRI है, इनमें पढ़ने आते हैं। तो ये यहाँ पर युवाओं का एक बहुत अच्छा क्राउड आता है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए भी हमने इस बार को डेवलप किया है। हमने कुछ युवाओं के लिए स्पेशल डिशेस, जो आज के युवाएं जो पसंद करते हैं, उनके लिए स्पेशल शेफ्स मंगवाए हैं बाहर से, जो उनकी डिशेस को तैयार करें और उनको परोसें और जिनके उनको अच्छा लगे। तो यही हमारा कहना है कि जैसे कुछ युवा हैं जो नौकरी पे हैं, जॉब में हैं, उनको एक अलग तरह की स्ट्रेस है, तो ये एक राइट प्लेस है, एकदम सही जगह है कि वो आए यहाँ पर और अपना स्ट्रेस रिलीव करें जी। बहुत सुंदर। एक देखिए, ग्रेट शहरी का एक यही सोच होता है, कभी टाटा जी का ये सोच रहा होगा कि शहर में आप आए निराश नहीं होंगे, आपको रोजगार मिलेगा,
उसी तरीके से जवाहर बिग जी का कहना है कि आप स्ट्रेसफुल हो लाइफ में या कहीं भी अपने जॉब प्लेटफॉर्म पर, तो आप जरूर आएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो। ये मद्रासी होटल के सामने सौर्या इन और उसी के 6th फ्लोर पे टैंगो। टैंगो अपने आप में एक वैसा कि जो एक डांस का थीम है, और वो डांस आपको, वो थीम आपको जिंदगी में झूमने को मजबूर कर देगा। मैं बहुत सारी झलकियां दिखाऊंगा इस टैंगो रेस्टोरेंट बार का, जो फैमिली बार है, और ये पूरे इंडिया के लिए जो होटेलियर्स हैं उनके लिए एक बेंचमार्क है, एक उनके लिए एग्जांपल सेट किया गया है कि हम फैमिली वालों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और हायर क्लास, ये तीनों भी यहाँ आकर अगर बैठें तो उनमें फ़र्क नहीं महसूस कर सकेंगे आप, क्योंकि ये फैमिली बार है, और ये फैमिली बार हम सबों को इंजॉय करने का, अपने हैप्पी टाइम बिताने का मौका देती है। अब चलिए देखते हैं अपने इस टैंगो रेस्टो बार, फैमिली बार का वो सब झलकियाँ जो आपको एक इन्फॉर्म करेगी और आपको आने के लिए एक गेटवे देगी। प्लीज वेलकम, वेलकम इन टैंगो, टैंगो फैमिली रेस्ट्रो बार, जिसमें आप हैं, मैं हूं, और आपके कुछ हैप्पियर टाइम होने वाले हैं। इसके बाद अभी मैं जहां खड़ा हूं, ये 20वीं शताब्दी की वो ग्रामोफोन है कि जिस पर आप मेलोडियस गाने सुना करते होंगे, और ये ग्रामोफोन आज भी उतने ही सहजता से रखा हुआ है, उतने ही हिफाजत से, उतने ही बेहतर तरीके से, और ये डिस चलता है और गाना बजता है, आप सुन सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अत्याधुनिक फैमिली रेस्टोबार में ये सबसे पुराने हमारे कल्चर और संगीत का वो एक अनूठा उदाहरण, एक सिंबल, जिससे कि आपकी अपनी हैप्पियर टाइम को याद करने में मदद मिले। अब मैं इस अत्याधुनिक रेस्ट्रो बार, फैमिली रेस्ट्रो बार के बारे में बताता हूं कि ये बिल्कुल एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो कंसेप्ट आपको ये बताती है कि जब आप इस फैमिली बार में आते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपने हैप्पियर टाइम को बिता सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पर अनेक तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट है, हर क्लास के लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट रखी गई है, जिसमें आप उन सब सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं जो आप एक मेट्रोज में महसूस करते हैं कि वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे आप फैमिली रेस्टो बार में गए होंगे, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। ये बहुत ही अत्याधुनिक और डेकोरेटिव कसे हमारे लोग सभी बैठे हों, हम सभी लोग अपने फैमिली के साथ हैप्पियर टाइम इन्जॉय कर रहे हों, हम अपने सभी लोगों के साथ बैठकर उन अपनी फैमिली मोमेंट को इन्जॉय करने के साथ अपने कुछ प्लानिंग पॉलिसीज पे बात कर रहे हों, इसको फैमिली रेस्टो बार कहते हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है और ये कंसेप्ट यूरोपियन है, और जब ये कंसेप्ट को एशिया या हमारे इंडिया और एक मिनी इंडिया जमशेदपुर में लाया गया, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे उन यूथ के लिए कि जो इस मिनी इंडिया में अपने टाइम को क्वालिटी टाइम में बदलने की एक ख्वाहिश रखते हैं और एक चाहत रखते हैं। अब मैं आगे लेकर चलता हूं, आपको हुआ एक ऐसा कलाकार कि जो आपको ये दिखता होगा कि कितने अपने मस्ती में ये अपने धुन को बजा रहा होगा। टैंगो का मतलब भी होता है पैर से वो डांस और वो रिदम जो मेलोडी और संगीत को प्रस्तुत करता है, तो ये अपने आप में एक अनूठा और सबसे बड़ा बेहतर है। अब मैं एक लॉन्ज में बैठा हूँ, इस टैंगो बार का रूफ फ्लोर जो लॉन्ज है कि जहाँ पर आकर एक यूथनेस, एक मैचो फीलिंग होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बैठकर अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं। मैं उस रूफ सिटिंग प्लेस से नीचे आ रहा हूँ, और ये वुडन फिनिशिंग और एक बेहतर फील जो कभी आप कहीं एक सिनेमा या कहीं एक ऐसे सेट पे जब जाते हैं जहां से आपको महसूस होता है कि हम वहां पर एक बिल्कुल नेचुरल और मॉडर्न वे में उस सेट को तैयार किए हैं, तो उस तरीके से वो सेट तैयार किया हुआ था, और उसी से मैं अब नीचे आ रहा हूं मैं, और फिर उसी फ्लोर पे हूं जो बेस फ्लोर है, और ये बेस फ्लोर ये बताती है कि हम सभी लोगों के लिए ये टैंगो फैमिली बार कितना मुफीद है,
कितना अच्छा है और हम सबों के लिए एक इंजॉय करने का, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का, दोस्तों के साथ टाइम बिताने का एक अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है, बशर्ते आपको बिष्टुपुर मद्रासी होटल के सामने सौर्या इन होटल के 6th फ्लोर तक पहुंचना होगा। आगे बार का टैंगो रेस्टो फैमिली रेस्टो बार का मैं उस प्लेस पे हूं कि बिल्कुल ओपन स्काई प्लेस है। ये ओपन स्काई कंसेप्ट बिल्कुल उस मॉडरेट कंसेप्ट के साथ है कि जब हम लोग कभी बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया या उस सेनेगन सिटीज में जाते हैं कि जहां पर ये सब कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो ये बड़ा ही डेकोरेटिव और बहुत ही अट्रैक्टिव कंसेप्ट है कि जहां से बैठे हुए आप शहर के बाहर के नज़ारे को ले सकते हैं। जैसे ये अगर ओपन कर दिया जाए, पूरी तरह ओपन है अभी ये, और नाइट का सीन है, रात है, और इस रात में लाइटें दिख रही होंगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख सकता आपको, लेकिन इसके बाद पूरे जमशेदपुर शहर, एक तरफ टाटा स्टील, दूसरे तरफ हमारे बिष्टुपुर कॉन्ट्रेक्टर्स एरिया, सीएच एरिया, तो यहाँ से देखने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको यहाँ से कॉन्ट्रेक्टर्स एरिया, जमशेदपुर टाटा स्टील, इसके बाद बहुत सारे ऐसे जगह जो कि आपको यहाँ से दिखाई देते हैं, बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा लगता है। एक बाहर की फील महसूस होती है कि आप उस रूफ पे हैं, उस ऐसे ओपन स्काई फ्लोर पे हैं कि जहाँ से आप आसमान में ही, अगर ऊपर से बारिश होगी तो छत ऐसा बना हुआ है कि उस ग्लास पे वो बारिश की बूंदें जब टपकेंगी तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करेंगे। वो दिन का सीन हो सकता है क्योंकि रात में अभी वो बारिश का मौसम नहीं, बादल नहीं, लेकिन ए टैंगो जो फैमिली रेस्टो बार है आपको एक बेस्ट सीन प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको आगे एक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताता हूँ। आपको पता है कि ये अरेंजमेंट एक बेस्ट अरेंजमेंट होती है कंफर्टेबल बैठने के लिए, कि अगर टाइम टू टाइम आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑफिस प्लेस या घर पे उस सिटिंग अरेंजमेंट में हूँ जो कि बिल्कुल एक कॉमन है, लेकिन ए हाई सिटिंग अरेंजमेंट उसके लिए होती है कि जो आकर अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ फैमिली मेम्बरान के साथ बैठकर कुछ हल्का स्नैक्स, कॉफ़ी, कुछ फैमिली रेस्टो बार का वो लजीज वो व्यंजन जो कि पूरे कंटिनेंटल और अनेक वैरायटीज़ के हैं, उसका एंजॉय लेने का ये है। और यहाँ से बैठकर जो ओपन स्काई प्लेस है उसको आप मजा ले सकते हैं, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, तो ये बहुत बेहतर आपके लिए। मैं एक ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं कि जो जब इसकी शुरुआत हुई थी सौर्या इन की, वो प्लेस था साक्षी, और साक्षी में वो फैमिली जाया करती थी, और आज उस फैमिली का आफ्टर 35 ईयर, सुंदरी कौर से बात होगी अभी, जो डायमंड बर्थडे मना रही हैं, और ये सौर्या इन साक्षी में वो कस्टमर हुआ करती थी, और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि वो आज इस टैंगो रेस्टो बार, फैमिली रेस्टो बार में पहला दिन वो आकर अपना केक इन्होंने काटा है जिस पर बर्थडे 75 लिखा हुआ है। तो प्लीज वेलकम, उन्हीं से पूछते हैं। अभी भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर होटल बना आप तो जी, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। जब वो बंद हो गया था मुझे बहुत ही अफसोस लग रहा था जी, अब मुझे बहुत ही खुशी हुई जो इन्होंने यहाँ पर आके जी। तो पहली बार जब गई थी तो बहुत एंजॉय आपने किया था, बहुत एंजॉय, और आज आप 75 बर्थडे मना रही हैं, डायमंड बर्थडे मना रही हैं। आज मुझे मेरे बच्चे लेके आए, मुझे जी मेरी बेटी और बेटा लेके आए हैं मुझे, मुझे बहुत ही खुशी लग रही है कि आज मैं यहाँ पर बर्थडे अपना मना रही हूँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे आज इनके बर्थडे पे, आप इनको विश करिए, क्योंकि आज आपका पहला विश होगा इस टैंगो फैमिली रेस्टो बार में कि कोई पेयर ने अपने वाइफ को, अपने समझिए जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को पहली बार बर्थडे कहा होगा, क्या कहेंगे आप? सुनिए, एक उम्र हम गुजर गई इनके साथ में गुजारते हुए हमें, और हमेशा साथ दिया है खुशियों में भी और उलझनों में भी। तो ये हाउस जिस जगह आज हम लोग बैठे हैं, इस जगह कभी इनसे ज़्यादा हम लोग बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। हम लोग उस दिन को याद करते थे,
आज हम लोग ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर वाकई अभी एक मेट्रो नेट सिटी हो गई है। क्यों? इसमें जो अब गेटअप जो आ रहा है और आज इस होटल में बैठते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग किसी बड़े शहर या सिटी में बैठे हुए देख रहे हैं। ये सपना था जो हम लोग अपने जीवन में पूरा होते देख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत। लेकिन आप वो शब्द नहीं बोला, उस शब्द का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब पहला शब्द होगा बर्थडे का जो इस टैंगो रेस्टो फैमिली रेस्टो बार में आप कहेंगे उनको। अरे सुनिए सर, 50 साल इनके साथ गुजर गए, सॉरी 75 साल, 50 साल इनके साथ गुजर गए, 75वां जन्म मनाने हैं और हम लोग आने वाली जिंदगी जो सेहत मंद रहे फिर यहीं आके मनाते रहे, यही खुशी रहती है कि इनके आज के बर्थडे को हम लोग रिपीट कर सके। जी जरा उनके तरफ देख करके बोलिए आप। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, क्या कुदरत है, क्या नजारा है, ये हमारे है, ये हमारे पेरेंट्स और इन पेरेंट्स की खुशी हमारी खुशी है, आप लोगों की, आप लोग ग्रेट टाइम। अब आप क्या कहेंगे? देखिए मम्मी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमने तो अपनी जिंदगी का बहुत पल अच्छे बिताए और हम चाहते हैं कि इसी तरह जमशेदपुर हमारा मेट्रो शहर का मुकाबला करे। अब ये मिनी इंडिया ही नहीं, अब ये मेगा इंडिया बनने के राह पे है। जैसे भारत विकासशील से विकसित होगा, अब मिनी इंडिया बड़ा इंडिया बनने जा रहा है। तो आप दोनों के आशीर्वाद से हमारा शहर जरूर खुशहाल और बेहतर होगा। आप क्या कहेंगे? जमशेदपुर के पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और जिस तरह से बच्चे जमशेदपुर के जो टीनेजर जो बच्चे बाहर जा रहे थे और पुणे मेट्रोज में या बेंगलोर में जो जाके जो कल्चर देखते थे, जिस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, मुझे लगता है कि जमशेदपुर भी उसमें कम्पीट कर पा रहा है। जी बहुत सुंदर। अब जिस लेवल के रेस्टो बार या जो तरह का इंटरटेनमेंट बच्चों को चाहिए, अब जमशेदपुर भी उस तरह का प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब जमशेदपुर से बाहर गए बच्चे, जब यहाँ जमशेदपुर में आते थे तो बड़ा बोर अपने आप को फील करते थे, अब आते हैं तो कुछ माँ बाप के समय भी वो क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा और इस तरह के रेस्टोरेंट और भी आने चाहिए। और बहुत अच्छा है बात है कि ये भी बहुत सुंदर बना है, हर चीज इसकी लाजवाब है। जी उसमें किसका हाथ है आंटी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्या चीज? ये बेहतर शहर को बनाने में आपने टैंगो रेस्टो बार का, फैमिली रेस्टो बार का, कि जो आपको एक कंसेप्ट देता है एक बेहतर फील का। मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार डेकोरेटिव रूप के तरफ जरूर कैमरा को लेकर जाइए और दिखाइए, क्योंकि ये सौर्या इन का अपना कंसेप्ट है, जो लाइटिंग कंसेप्ट है, जो कंफर्टेबिलिटी है, जो एक कंफर्टेबल लाइट और फीलिंग है, वो बहुत बेहतर है। और ये बेहतरी सिर्फ उन सब लोगों के एक जिज्ञासा और एक उनके समझिए अपने चॉइस की चीजें हैं कि कोई भी कस्टमर जब यहाँ आए तो उसको अपने जैसा फील हो, वो फील करे कि मैं कुछ अलग जगह पे आया हूँ, मैं डिफरेंट जगह पे आया हूँ और मेरी ए डिफरेंट प्लेस हमें ये बताती है कि हम सब लोग अब जमशेदपुर में हैं और ये जमशेदपुर मिनी इंडिया मेगा इंडिया की तरफ चल पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने सुना अभी कि जब बाहर से बच्चे आते थे विदेशों से तो उनको लगता था हम कहाँ बैठे हैं, किसके पास जाएं, कैसे समय बिताएं दोस्तों के साथ, वो हमने आज वो प्लेस दिखाया। और सौर्या इन में 6th फ्लोर पे जो टैंगो फैमिली रेस्टो बार ओपन किया गया है आज, ये अपने आप में एक बेंचमार्क है और एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जिसमें आप अब ये फील करेंगे कि मैं उन सब कंट्री में हूँ, ऐसे लोगों में हूँ, ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पर मैं वो सब दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकता हूँ। तो आइए इस फैमिली रेस्टो बार ये आपको बताती है कि आप को आना यहाँ बड़ा ही फ्रूटफुल होगा और जब आप यहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं भी जब आज पहली बार इस फ्लोर पे आया तो मेरे को ऐसा लगा कि इस पे जरूर आना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, कुछ गुफ्तगू करनी चाहिए और यहाँ के लजीज चीज़ों का, स्वादिष्ट चीज़ों का आनंद उठाना चाहिए। तो एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं के लिए, मैचो फील, यूथनेस और एक कंफर्टेबिलिटी और बार का एक वो कंसेप्ट जो आपको जमशेदपुर ही नहीं झारखंड में सबसे पहला नंबर वन मिलेगा, बेस्ट मिलेगा और इंडिया के पैरेलल मेट्रो सिटीज के पैरेलल मिलेगा।
आप शायद बाहर के भी किसी बार से, फैमिली बार से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो वेलकम आपका सोरिया इन टैंगो फैमिली बार में, जहां पर आप पूरे परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार।